रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो इससे बड़ी होती है वेल्स वेल्स के साथ भी क्यों हम बैक वेल्स पर उसमें कुछ डेंजर फील नहीं होता उसमें तो यार प्यार हो गया था मैं बच्चे के साथ था वेल की डंस ब्रो एक जगह है का जो पानी है इट्स वेरी वेरी काम अब जितना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना पानी में तैरने का मैं अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ पानी के वेरियंट्स देख रहा हूँ पानी के कलर्स इतने अच्छे हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी ओशन लाइफ है अराउंड ये डंसपुर है वाह और मैं यहां स्विम कर रहा हूँ ये जो पूरी आप वो देख रहे हो ना वहां पे जो सैंड है वाइट वाला उस कोस्ट से मैं इस कोष्ट की तरफ स्विम कर रहा हूँ और वो रॉक जो एरिया है ना वो मेरा वो होता था, था कि यार अगर मैं थक जाऊंगा तो मैं रॉक एरियाज में आई विल टेक माई स्टैंड क्योंकि जब पता है ना कि यार अगर आप हाथ रख सकते हो ना कहीं पे तो यूर ऑल राइट आप ब्रीथ कर सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर वेंचर तो मैं उस कोस से इस कोस की तरफ स्विम करता था ये 1.5 1.52 किलोमीटर का वो है स्ट्रेच hmm. है hmm. और मेरा रहता था कि यार दो लैप्स करने फोर पॉइंट फोर फोर किलोमीटर्स करीब स्विम होता है आयरन मैन का तो मैं प्रैक्टिस उसी मोटिव माइंडसेट से कर रहा हूँ कि इंडोरेंस करना है टाइम एम छोड़ो यार और तो मज़े भी हो रहे हैं इतनी अच्छी इतना इतने अच्छी, अच्छी जगह पे तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ एंड नाओ जो डीप ओशन है ना डीप पोशन को पता ऐसा लगता है जो वो डार्क दिख रहा होगा आपको वहाँ से कोरल्स शुरू हो रहे हैं जहाँ कोरल्स शुरू हो रहे हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है बाय दिस टाइम अब मुझे फ़िश देखने की आदत हो गई है और स्नॉर्कलिंग अच्छी खासी हो जाती है इनके साथ साथ ना स्विम भी हो रहा है स्नॉकल भी हो रहा है मैं डीप वाटर की तरफ चलने लग गया मतलब अगला जो लास्ट लैप है ना दिस मे मैं थर्ड, थर्, थर्ड 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 टाइम कर रहा हूँ मैं इस इलाके में ये मेरे से आ, टू हंड्रेड किलोमीटर्स दूर है और टू हंड्रेड किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में इज़ टू आवर इतना दूर जो भी है वो एक पास ही है मैं उस डीप वाटर में गया हूँ और मेरी स्विमिंग चल रही है अपने जोन में हूँ मेरे लिए ना मेडिटेटिव जोन है यार बड़ा अच्छा लगता है ये रॉक क्लाइंबिंग करते हुए स्विम करते हुए रन्स करते हुए एक, एक आफ्टर अ वाइल जब बॉडी को एक आदत हो जाती है एक एक ट्रांस जोन आ जाता है यू फ्री फ्रॉम एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे वो जोन बिकॉज ऑफ खतरा न मुझे खतरे का नहीं है ये तो बहुत सेफ़ जगह है यार ये ये बहुत सेफ़ जगह है स्विम करने के लिए यहाँ शार्क साइटिंग्स नहीं है मैं चला गया हूँ इधर डीप वाटर में मैं स्विम कर रहा हूँ ना इधर देख रहा हूँ मुझे जब मैं राइट लेफ्ट की तरफ आता हूँ तो मैं वो देख लेता हूँ बीच कितना दूर रह गया मेरे से क्योंकि मैं करंट में नहीं बहना अगेन अगेन ना करंट में चले गए फिर आप फिर रिस्क है तो बीच पास ही रहे आ, मैं स्विम कर रहा हूँ कर रहा हूँ एन देना सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द दर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ओब स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी आर टीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेस आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट बी आर बाइसे फॉलो आर यूट्यूब चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ और मुझे पता है मतलब क्योंकि माइग्रेशन टाइम चलता है इस टाइम पे कि वेल्स जाती हैं आपको आपको अगर आप एक एलिवेटेड एरिया में हो आपको हम जहाँ पे वर्क करते हैं इट्स लाइक अ रिज रोप्स में आपको पीछे वेल्स दिखती हैं बड़ी बड़ी दे टेक देर बाउंस करती हैं ऊपर आती हैं ब्लो करती हैं तो ये इट्स अराउंड द सेम टाइम ये टाइम है हमारा जून जुला, जुलाई मई जून जुलाई अगस्त दैट एंटायर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रंट है उसमें ये सारी वेल्स माइग्रेट करके वापस जा रही हैं टूवर्ड्स कोल्ड वाटर्स एंड दे आर ट्रैवलिंग इन बंच बहुत बड़े बड़े पॉड्स में तो so, ये ये दिन ऐसा था कि यार मैं पर्थ जा रहा था और में बढ़ता है वाई नॉट लेट्स जस्ट स्विम इतना अच्छा एरिया है मैं जब अपना सेकेंड लैप ले रहा हूँ वापस जा रहा हूँ तो ये आवाज़ आई ठीक है अब मैं राइट से आया बाहर मैं रुक गया मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है मुझे दिखा नहीं कुछ नहीं देगा मतलब कुछ आवाज़ आई है इट्स श्योरली इट्स दे मैं दिखानी 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 मैं फिर से स्विम करने लग गया इतने प्यार से एक छोटी सी मतलब छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके साइज़ देखे हैं बहुत बड़े होते हैं तो ये एक बच्चा है जो मेरे नीचे से आया है और आवाज़ यहाँ से नहीं आवाज़ कहीं और से आई है वो मतलब ना एक इतना प्यारी आवाज़ है ना यार आई कैन आई कैन मैं उसको सुन सकता हूँ <laughs> और भाई बहुत एक वाइब्रेशन हुआ है मैंने इसको देखा है ये मेरे आगे से जा रही है नीचे से बड़ी है बच्चा है पर बड़ा है अब मैं माँ को देख रहा हूँ मैं बाहर आया हूँ ये माँ द बिग वेल केम आउट टू हंड्रेड मीटर श्योरली अवे फ्रॉम मी और ब्लो किया है बुश तो जो ब्लो किया है ना वो पूरा छीटे मेरे तक आए इतना <gasps> इतनी बड़ी वेल है तो मैं घर जाके एक साइज़ कंपैरिजन देखा तो हमारा हम हम ना एक जो एक आ, कार का जो साइज़ है दैट वो उनका हार्ट होता है इतना <laughs> तो इतनी बड़ी इतनी बड़ी वाटर एंटिटी मेरे से 200 मीटर्स दूर थी और वो ब्लो और वो आवाज़ इट वाज दैट वाज द मैं मेरा ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई चीज़ फेवरेट है तो दिस इज दैट मोमेंट दैट स्टे विद मी फॉर एवर दैट लव जो उन दोनों के बीच में था और एक वो इंडिपेंडेंस यार मुझे लगता है मैं शायद पहला हो सकता है मैं शायद पहला ह्यूमन जो इस बच्चे ने देखा hmm. इतने फॉर्म ऑफ oh, 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 like. इनको हंट कौन करता है डीप तो कर वॉटर में क्यों वो मतलब फार, वेल मीट एज वेल्ट हो रही है इनकी क्या होती है इनकी इंटेलिजेंस इतने पास से जब वो आ, बच्चा गुजरात sure शाख भी देखी वो से. तो वो तो नर्वस था वो तो बहुत नर्वस फीलिंग थी वो तो वो मुझे उसने न एक फील करवा दिया था कि डेंजर वो फियर वो 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 सब कुछ था मेरे अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं वो आवाज़ दैट साउंड दैट म्यूजिक इनके बीच का कम्युनिकेशन के बीच में मैं हूँ कहीं और मैं पैनिक नहीं कर रहा मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वापस जाना है आई एम जस्ट इन्जॉइंग दिस दिस केमिस्ट्री बिटवीन मम्मी और दैट बेबी बस क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी होती है शायद हाँ इट केम मेरे नीचे टर्न मार के वापस अब मैं उधर देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक ड्रोन है बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू गेट तो जब मैं आया आए आज दिस गाय के यार फुटेज होगा तो वहाँ पर एक और इससे इन दोनों से बड़ी शाख है जो मेल रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस गाय वेल मेल वेल तो ये पूरी फैमिली रही होगी इनका पॉट चल रहा था अपनी जर्नी में और वो वेल इन दोनों से बड़ा था मतलब ऊपर से तो यार ऊपर से ना ऊपर से छोटा लगते हैं अगर कंपेरिजन ना हो तो जब स्विमर को रखो बेबी को रखो मम्मी एंड देन डैट बिग थिंग तो उसके फ्रेम में वो वो बड़ा वाला हुआ है जो और और दूर था इन लोगों के लिए दूर नहीं यार वो इतने बड़े बड़े हैं ना उनके लिए एक टर्न लिया है डेल्स अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ